मैर एकेडमी वेबशाला। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम पार्ट 8 सलजी और मलजी हिंदी पुस्तक तरंगमाला से पढ़ेंगे। यह एक हास्य कथा है जो कि दो भाई रहते हैं, सलजी और मलजी, जिन्हें दिखाई नहीं देता और ये अजीब अजीब हरकतें करते हैं। ससुराल पहुँच कर वे कैसे अपना रतुंडी का रोग छुपाते हैं इस कथा में बताया गया है। एक गांव था जहां दो भाई रहते थे, सलजी और मलजी। दोनों में आपस में बहुत प्यार था, मगर उनको रतुंडी का रोग था जो कि रात के समय उन्हें बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इस बात को छुपाने के लिए वह अजीब अजीब तरकीबें खोज ही लेते थे। एक दिन दोनों भाई ससुराल के लिए रवाना हुए और दोनों भाइयों को था कि वह ससुराल जल्दी पहुँचे, एक ही दिन में पहुँचे। इस कारण उन्होंने बैलगाड़ी को तेज चलाया, मगर जैसे ही ससुराल की तरफ पहुँचने थे तो फिर उन्हें सोचा कि शाम के समय ससुराल नहीं जाना चाहिए। तो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैलों को खोल देते हैं और पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। फिर वह बातें करते करते उन्हें समय का पता ही नहीं चलता है। शाम ढलने लगती है तो सलजी सोचने लगता है कि अब तो अंधेरा होने वाला है, हम बैलों को कैसे ढूंढेंगे। फिर मलजी सलजी से कहता है कि हमें तो अब दिखाई नहीं देगा, तो अब हम बैलों को कैसे ढूंढें, क्यों ना हम अपनी पगड़ी को फैला कर चलते हैं और जो भी इसमें अटकेगा उसे हम हाथ लगा के देखेंगे, आखिर हमें बैल मिल ही जाएंगे। तो बस दोनों भाइयों ने पगड़ी का एक एक सिरा पकड़ लिया। पगड़ी 100 गज लंबी थी, कभी पैर से अटक जाती थी, कभी झाड़ियों में अटक जाती थी, मगर काफ़ी रात हो गई, उन्हें बैल नहीं मिले तो वह दोनों ही उदास हो गए। अचानक से उन इस साले को देख लिया, उस साले ने उन दोनों को देख लिया और खुशी होकर बोला कि बहनोईसा, आप कब यहाँ पर पधारे हैं और यह पगड़ी से क्या कर रहे हैं। तो दोनों भाइयों का मुंह उतर गया क्योंकि उनकी कहीं पोल ना खुल जाए। फिर सरजी ने इस पोल को छुपाने के लिए बोला कि यह मलजी की हट है, कि यह खेत 80 हाथ का है और मैं कह रहा हूँ कि यह खेत 100 हाथ का है। बस हम दोनों इस खेत को नाप रहे हैं। तो पगड़ी सौ हाथ की है, अब आप बताओ यह खेत कितने हाथ का है। तो साले जी ने कहा मुस्कुराकर, यह खेत 100 हाथ का है। तो सरजी बोला कि मेरा अंदाज़ा ठीक था, अब हमारे दोनों बैलों को ढूंढकर लेकर आइए जब तक हम तंबाकू पी लें। तो साला थोड़ी देर में ही बैलों को ढूंढकर ले आता है और वह दोनों सवारी धूमधाम से ससुराल के जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ससुराल में उनकी बहुत ही खातिरदारी होती है। साले जी उन्हें बिठा कर उनके लिए खाना लेने जाते हैं, फिर 2 थालियां परोस कर लेकर आते हैं और छाछ लेने के लिए अंदर जाते हैं तो कुत्ता पीछे से आकर थाली में से रोटियां ले जाता है। तो सलजी मलजी को कहता है तुम इस बात का ध्यान रखना। मलजी ने अपनी लकड़ी पास में रख लेता है। इस बीच में जो साली रहती है वह सोचती है कि मेरे बहनोई अंधेरे में बैठे हैं, क्यों ना मैं दिया जला देती हूँ। वह जैसे ही दिया जलाने जाती है तो मलजी को आहट होती है, वह कुत्ता समझकर उसकी पीठ पे मार देता है, वार कर देता है और साली बहुत ज़ोर से चीखती है। साला आता है कि तुमने क्यों इसे मारा। तो सलजी ने तुरंत ही इस बात को संभाल लेता है कि मैं मलजी से कहा कि ससुराल में तो साली के शरीर को सिर्फ लकड़ी से ही स्पर्श करना चाहिए, मगर यह है कि यह चोट मार देता है। फिर भोजन कर चुकने के बाद वह दोनों बाहर निकलते हैं। दरवाज़ा छोटा था, मलजी आगे आगे चल रहा था, वह जाकर दरवाजे से टकरा जाता है और उसे गिर पड़ता है। फिर साला भाग कर आता है और पूछता है कि क्या बात है, तुम कैसे गिरे। तो फिर सलजी बात को छुपाने के लिए कहता है कि जवानी की उम्र ही आदमी को अकड़ू सा बना देती है, दरवाज़ा छोटा और अकड़ मोटी, सो माथा जा टकराता है। साला जी पूछता है कि चोट तो नहीं आई, तो और बोलता है कि अब तुम्हें बाहर के कमरे में आराम करना है।
वे दोनों भगवान भरोसे बाहर निकलते हैं। रात बहुत ही रात काली थी और रतौंधी का रोग था, तो दाएं जाने की जगह वह बाएं चले जाते हैं। तो मलजी गड्ढे में जा गिरता है और बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। फिर साला वापस आकर मलजी को गड्ढे में गिरा देखकर पूछता है कि तुम गड्ढे में कैसे गिरे। फिर सलजी इस बात को छुपाने के लिए कहता है कि गड्ढा 10 हाथ का है और मैंने मलजी कह रहा है गड्ढा 10 हाथ का है और मैंने कहा 15 हाथ का, आप बताओ कितने हाथ का है यह गड्ढा। तो साला बोलता है कि 20 हाथ का। अब आप ही इन्हें निकालिए और कमरे में पहुंचाइए। सलजी इस बार अपने साले का कंधा पकड़ लेता है और मलजी सलजी का, दोनों अच्छी तरह से कमरे में पहुँच जाते हैं। फिर दोनों ही ईश्वर का धन्यवाद देते हैं। थैंक यू।